काम बियॉन्ड। मूवी की शुरुआत में हम हांगकांग शहर में सुनामी को आते हुए देखते हैं, जिससे बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, मगर लहरें बहुत ही ऊंची और पानी उनकी सोच से भी ज्यादा ऊंचा था। इस कारण लगभग आधी आबादी खत्म हो जाती है। बात करें बचे हुए लोगों की, तो वो लोग सुनामी के बाद आने वाले उस खतरनाक भूकंप के कारण मारे जाते हैं। अब बस गिनती के ही कुछ लोग बचे थे, जिसमें से एक थी आशा, जो कि एक टूटे फूटे अपार्टमेंट में पिछले 5 सालों से अकेले सर्वाइव करने की पूरी कोशिश कर रही है। उसका पूरा परिवार इस सुनामी में मारा जा चुका है, अब बस वही अकेली बची है। आशा के पास एक रिचार्जेबल बैटरी है, जिसकी मदद से वो रेडियो सुनती है। उस रेडियो में बताया जा रहा था कि अगर अभी कुछ लोग बच गए हैं तो वो हमारे दिए हुए पते पर आ सकते हैं। हमारे पास खाना पानी और रहने की सब जगह है। अब वो जगह दूर थी, इसलिए आशा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अब कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थी। उसने इस जगह को ही अपनी दुनिया मान लिया था। कभी वो खाने का इंतजाम कर लेती तो कभी नहीं कर पाती, और इस तरह उसकी जिंदगी गुजर रही होती है। अब हम आशा को ऊपर छत पर जाते हुए देखते हैं, जहां वो एक कपड़े की मदद से ओस की बूंद को इकट्ठा कर रही थी, ताकि वो इसे पानी की तरह पी पाए। वो यहां चुपचाप रहती थी और किसी को भी पता लगने नहीं देती थी कि वो यहां है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर अक्सर लुटेरे आते रहते थे, जो बचे हुए लोगों को मारकर उनका खाना पानी सब कुछ लूट ले जाते थे। आशा एक दिन दूरबीन से देखती है कि कुछ दूर पर एक बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे हैं और वो जिंदा है। इसी बीच वो नीचे पानी में एक बॉक्स को तैरते हुए देखती है, जिसे वो एरो की मदद से खींचने की कोशिश करती। तभी उसको एक शार्क पकड़ लेता है। फिर आशा को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो किसी तरह उस बॉक्स को अपने पास खींच लेती है। सुनामी की वजह से सभी बिल्डिंग्स के एक या दो फ्लोर्स डूब चुके होते हैं। आशा को तो ये लग रहा था कि इस बॉक्स में खाने पीने के लिए कुछ होगा, लेकिन उसमें सिर्फ दारू की एक बोतल होती है। इस बॉक्स को खींचने के चक्कर में आशा के हाथ में भी चोट आ जाती है। उस बॉक्स को लेकर फिर आशा ऊपर आती है। अब उस बॉक्स को लेकर जब आशा ऊपर आ रही होती है, तभी वो अचानक से एक फ्लैट के पास रुककर उसे देखने लगती है, क्योंकि यहीं पर आशा अपने परिवार के साथ रहती थी। फिलहाल आशा छत पर आकर अपने हाथ की मरहम पट्टी करती है। उसने जो कुछ खाना बचाकर रखा हुआ था, उसे थोड़ा बहुत खाकर सो जाती है। अगले दिन आशा जब ऊपर से चारों तरफ नजर घुमाती है, तो देखती है कि जिस घर में लोग थे, वहां पर कुछ लुटेरे आकर उन्हें मारने के बाद उनका सारा सामान लूट कर ले गए। यहां तक कि इन लुटेरों के पास एक बोट भी है, और ये ऐसा ही करते रहते हैं बस। अब जब दूरबीन से आशा देख रही होती है, तभी उन लुटेरों में से एक की नजर आशा पर पड़ जाती है, इसलिए वो लोग अब इस तरफ आने लगते हैं। ये देखकर आशा तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपने खाने पीने की सारी चीजें और कपड़े वगैरह छुपा देती है। फिर वो बाकी की सारी चीजें बिखेरकर वहां हर तरफ गंदगी फैला देती है, ताकि उन लोगों को ये लगे कि यहां पर कोई नहीं रह रहा है। ये सब कुछ करने के बाद इन लोगों के ऊपर आने से पहले आशा एक क्लोसेट में छिप जाती है। वो सभी लोग यहां पर आकर देखते हैं तो उन्हें यहां पर कुछ नहीं मिलता। इस पर उनमें से एक कैप्टन कहता है कि यहां कर हम बस अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तभी आशा देखती है कि इन लोगों के साथ 15 साल का एक लड़का भी है। उसको देखकर आशा को अपनी बहन की याद आ जाती है। फिलहाल सभी जगह देखने के बाद ये लोग चले जाते हैं। तब जाके आशा चैन की सांस लेती है। फिर अगले दिन आशा अपने सपने में अपने मरे हुए माँ बाप और बहन को देखती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। उठकर वो जाकर अपने लिए कॉफी बनाती है। आशा के लिए कोई बात करने के लिए नहीं था, वो बस उदास मन से बैठी होती है। उसी बीच आशा देखती है कि एक और बॉक्स पानी में तैर रहा, तो आशा उसको ऊपर उठा लेती है। उस बॉक्स में हनी की एक बोतल और कुछ सड़े हुए फल होते हैं। आशा इसे देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये मिलना उसके लिए बहुत ही अच्छा हो गया। वो इन सड़े हुए फलों को पाकर बहुत खुश होती है। इस दौरान आशा को एक बेहोश बच्ची दिखाई देती है। उस बच्ची को मरा हुआ समझकर आशा उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर आशा जब कुछ काम कर रही थी, तभी हम उसके पीछे उस छोटी लड़की को देखते हैं, जिसका पता आशा को भी लग चुका था, इसलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की आशा के पेट पर जोर से मारकर भाग जाती है। साथ ही इस लड़की ने आशा का सारा खाना चुरा लिया था, इसलिए वो उस लड़की को ढूंढने लग जाती है। थोड़ी देर काफी ढूंढने के बाद उसे वो मिल भी जाती है, जो कि आराम से सो रही होती है। सभी खाने पीने की चीजें उसी के पास पड़ी थी। इस बच्ची को देखकर आशा को फिर से अपनी छोटी बहन की याद आती है। असल में आशा के माता पिता आशा से ज्यादा उसे मानते थे, इसलिए वो अपनी बहन से उस समय जलती थी, मगर इस बच्ची को देखकर आशा उसके प्रति थोड़ा नरम हो जाती है। फिर काफी सोचने के बाद अगली सुबह आशा उस बच्ची से दोस्ती भी कर लेती है। दोनों साथ में नूडल्स बनाकर खाते हैं। इस बच्ची की बचकानी हरकत देखकर कई दिनों के बाद आशा खुलकर हंसती है। पूछने पर वो लड़की अपना नाम हे बताती है। उसके भी माता पिता इस सुनामी में मारे गए, तब से वो यही सर्वाइव कर रही है। बीते हुए वक्त के साथ हे और आशा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसी बीच हे को एक फोटो मिलती है, जो कि शायद आशा और उसकी बहन की है, जिसे आशा वहीं पर छिपा देती है। एक दिन जब आशा और हे छत पर होते हैं, तो हे खेल खेल में वहां के दरवाजे पर लगे टेप को निकाल देती है, जो कि आशा ने लगाया था, क्योंकि वो दरवाजा खराब होने के कारण अपने आप लॉक हो जाता था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है, तो आशा को लगता है कि अब वो छत पर ही बंद होकर भूख की वजह से मर जाएगी। लेकिन तभी वो देखती है कि हे किसी चोर की तरह एक प्लेट तार से उस दरवाजे को खोल रही है। ये देखकर आशा खुश होती है और वो हे को समझाती है कि तुम अब से ना ही कोई चीज छूना और ना ही ज्यादा आवाज करना, समझी। वो हे को लुटेरों के बारे में बताती है कि वो बड़े खतरनाक लोग हैं। तभी एक दिन आशा दूरबीन से देखती है कि लुटेरे फिर से आ रहे हैं, तो वो तुरंत हे को बता देती है कि तुम्हें कहां पर छिपना है। पर वो लुटेरे लोग बस वहां से गुजर ही रहे थे। इसे देखकर आशा की जान में जान आती है कि वो अभी कुछ नहीं करने वाले। अब आशा हे को एक दिन नहला रही होती है। उस वक्त हे उससे पूछती है कि अगर लुटेरे आ गए तो हम क्या करेंगे। आशा कहती है कि मेरे पास छिपने की जगह है, मैं वहां छिप जाऊंगी। इस पर हे कहती है पर मैं तो यहां रुकने वाली हूं नहीं, मैं एक बोट बनाकर यहां से निकल जाऊंगी। पर आशा ये कहती है कि मैं तो ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे यहीं रहना होगा, और वैसे भी बाहर कुछ बचा नहीं है तो क्या फायदा। फिर कुछ देर के बाद आशा देखती है कि उसने जो अपनी बहन का नेकलेस पहना था, वो उसके गले में नहीं है, इसलिए उसे लगा कि ये पक्का हे का काम होगा। वो हे को फिर इसके लिए डांटती भी है, लेकिन हे ने वो नेकलेस नहीं लिया था, इसलिए वो भी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। साथ ही हे आशा के इकट्ठा के सामान को पूरी तरह से हाथ जताकर उसे आधा आधा कर देती है और अपना हिस्सा लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद आशा को उसका नेकलेस मिल जाता है, जो कि वहीं पर गिरा हुआ था। और यहां पर आशा को एहसास होता है कि मैंने हे को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए वो हे से माफी भी मांगती है, लेकिन हे दरवाजा नहीं खुलती। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि असल में आशा को छोटी बहन उसकी सगी नहीं सौतेली बहन थी, क्योंकि वो छोटी थी तो हर चीज उसके लिए पहले आ जाती थी, जिस कारण आशा उसे जलती रहती थी। आशा की बात करें तो वो थोड़ा पार्टी और क्लबिंग वगैरह ज्यादा करती थी, साथ ही वो घमंडी भी थी, और ये बात उसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब आशा देखती है तो हे ने उसका इकट्ठा किया हुआ सारा पानी अपने कपड़ों में लगा दिया है, मतलब उनको धोने में। ये देखकर वो हे को कुछ भी नहीं कहती, पर पानी की चिंता उसको जरूर होती है। बीते हुए दिन के साथ हे सब कुछ भूलकर खुद आशा से बात करने लगती है। वो लाइट जलाने लगती है तो आशा उसको रोकती है, क्योंकि चारों तरफ पानी है तो इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए जानलेवा बन सकती है। फिर हे कॉरिडोर में एक फ्लैट की तरफ देखकर कहती है इसके अंदर क्या है। आशा उसे वहां जाने से मना करती है, क्योंकि उसका दरवाजा भी खराब है, हालांकि असलियत हम जानते हैं वो आशा का ही फ्लैट है। इसी बीच आशा देखती है कि बारिश हो रही है, यानी कि अब उन्हें और प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। इस चीज से आशा और हे दोनों खुश होते हैं। सच में कुछ चीजों की वैल्यू हमें उनके ना रहने पर ही समझ में आती है, जैसे इस केस में पानी या बारिश। रॉकर्स, अगर आपको भी बारिश पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बता दीजिए। खैर, अगले दिन हे रेडियो में वही मैसेज सुनती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि हमारे पास रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है, तो अगर आप कहीं फंसे हैं तो हम तक आ सकते हैं। इसे सुनकर हे इस बारे में आशा से बात करने लगती है। इस पर आशा कहती है कि हमारे पास कोई बोट नहीं है और उन लोगों की लोकेशन कहां है ये भी मुझे नहीं पता। पर हे ने तो जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो प्लास्टिक की बोतल से एक राफ्ट बनाने में लग जाती है। अब आशा
उसको समझाने की कोशिश करती है कि मौसम खराब है और इस पानी में ढेर सारे शार्क्स मौजूद हैं जो कि भूखे हैं, ऐसे जाना खतरे से खाली नहीं है। इस पर है उसे कायर बोलकर चली जाती है। यहाँ फिर से आशा को पुरानी याद आती है। एक बार जब आशा को अपने माता पिता से झगड़ा हुआ था तो उसने घर छोड़कर अपने दोस्तों के साथ रहने का फैसला कर लिया। उसे लाइफ अपनी शर्तों पर अय्याशी करते हुए जीनी थी। उस वक्त उसे रोकने के लिए उसकी छोटी बहनी आई थी, पर आशा उस समय रुकी नहीं। अब आशा बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे साफ करके गर्म करती है। साथ ही आशा अब हे का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वो वैसे भी यहाँ से अपने लिए नहीं बल्कि हे के लिए निकलना चाहती थी। जल्दी आशा एक बोट को तैयार कर लेती है जिसको देखकर हे काफी खुश होती है। अब बस इन लोगों को यहाँ से समय और परिस्थिति देखकर निकलना था। आशा दूरबीन से देखती है तो उसे आसपास कोई नहीं दिखता, यानी कि अब वो जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोनों आराम से गर्म खाना बैठकर खाते हैं क्योंकि उन्हें बोट पर गर्म खाना नसीब नहीं होगा। पर तभी आशा देखती है कि वहाँ वही लुटेरे आतंक मचा रहे हैं। वो जल्दी से सारा खाने का सामान छिपाकर सब कुछ फैला देती है। फिर उसने हे को अलमारी में छिपा दिया होता है क्योंकि उस अलमारी में कोई एक ही आ सकता है। आशा भी कहीं दूसरी जगह छिप जाती है। अब जिस कमरे के दरवाजे को आशा ने हे से खोलने से मना किया था उसे गलती से एक लुटेरा खोल देता है। वहां से काफी तेज बुआ रही थी और वहां पर दो लाशें भी थी। उस लाश को अलमारी के अंदर से देखकर हे की चीख निकल जाती है और बस वो पकड़ी जाती है। ये देखकर आशा भी बाहर आती है लेकिन लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ आशा को याद आता है कि कैसे एक पल में सुनामी की वजह से उसके माता पिता और छोटी बहन मारे गए थे पर वो बच गई थी। पर अब आशा हे को नहीं खोना चाहती थी। हे ने आशा को एक फ्लेयर गन दी थी जिसे वो एक लुटेरे के मुंह में चला देती है और एक के सर पर आशा गिटार से वार करती है। इसी बीच एक लुटेरे को हे पानी में धक्का दे देती है जिस कारण उसे शार्क खा जाती है। साथ ही हे उस 15 साल के लड़के को छत पर लॉक कर देती है। इधर उनके कैप्टन को भी आशा चाकू से मार देती है। साथ ही वो लड़का जो ऊपर बंद हो गया था वो घबरा कर अपनी ही जान दे देता है। अब आशा और हे के पास लुटेरों की बड़ी सी शिप जैसी बोट है जिसमें कमरे भी मौजूद है। दोनों सारा खाने पीने का सामान उसमें